दोस्तों, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आपके बाल लंबे हो या आपके बाल छोटे हो, सभी को पसंद है कि उनके बाल काले हो, घने हो, रेशमी हो, बालों में डैंड्रफ ना हो, बाल समय से पहले ग्रे ना हो, सफ़ेद ना हो, बाल बिना वजह के टूटे ना। अब इसके लिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 5 चुनिंदा ऐसे इजी और बेस्ट योगासन जिनको आपको हर रोज़ करना है। साथ ही आपको बताऊंगी ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से बाल टूटते या झड़ते हैं या बालों में किसी भी तरीके की समस्या आती है और उनका उपाय क्या है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रख के आपकी बालों की सेहत अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा नुस्खा जिसको अगर आप अपने हेयर में अप्लाई करते हैं, इस हेयर मास्क को अप्लाई करते हैं, तो मात्र पहले ही वॉश से आपको आपके बालों में फ़र्क नज़र आएगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ज़रूर, ताकि सारी जानकारियाँ आपको आसानी से मिल सके। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों यूं तो हेयर फॉल के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन चुनिंदा जो मुख्य कारण होते हैं वो उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है स्ट्रेस का। अगर आप अत्यधिक स्ट्रेस लेते हैं, चाहे काम की वजह से या किसी और वजह से, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। साथ ही अगर आपके खाने में पोषक तत्वों की कमी है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी कमी के कारण, अगर आपके डाइट में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगर हॉर्मोन्स की गड़बड़ी है शरीर में ड्यू टू कोई भी रीजन आती है, या कोई मेडिकल एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, या जेनेटिक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही ऐसा है कि लोगों को बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं, ऐसी भी समस्याओं के कारण बाल झड़ने का हो सकता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिव नहीं रहते, आपकी लाइफस्टाइल बड़ी डल है, तो भी ये बाल झड़ने का एक कारण हो सकता है। आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत पॉल्यूशन है, या प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल झड़ सकते हैं, या तो सबसे बड़ा कारण आजकल जो हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बालों को अलग अलग तरीके से रंगना, बहुत ज़्यादा हीट का इस्तेमाल करना, बालों की स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको बाल की समस्या हो सकती है। अब इनके करते हैं उपाय की स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, लाइफस्टाइल सही करने के लिए, आपको हर दिन कम से कम 60 मिनट की या 1 घंटे की कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करनी चाहिए। साथ ही योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन का अभ्यास आपके स्ट्रेस को कम करेगा और शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करके पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे विटामिन्स जो कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, आपका जिंक, आयरन आपकी डाइट में, साथ ही बायोटिन जो है ये प्रचुर मात्रा में आपके खाने में होने चाहिए। इसके अलावा आपके खाने में, हमारे इंडियन डाइट में नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर तो आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो प्रोटीन की जो कमी है उसको ना होने दें। आपकी बॉडी के हिसाब से जितना प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए उस प्रोटीन का विशेष ध्यान रखें, अलग अलग खाने से इस प्रोटीन को लें, जैसे पनीर हो गया, टोफू हो गया, सोयाबीन हो गया, काबली चना हो गया, अलग अलग तरीके की दाल हो गई, और अलग अलग तरीके की हरी पत्तेदार सब्जियां जो सीजनल हो, और आपके सीजनल जो फ्रूट्स हैं इनको ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। पालक हो गया, कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, आपका गाजर हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, आपके अखरोट हो गया, तो इस तरीके की इस तरीके की जो खाने की चीज़ें हैं इनको ज़रूर शामिल करें। और सर की बहुत अच्छी चम्पी कीजिए, मालिश कीजिए, कम से कम हफ्ते में एक बार, सैटरडे संडे वाले दिन आप आराम से कर सकते हैं, तो रात में चम्पी या मालिश करके सो जाइए। आपके घर पे जो भी तेल का इस्तेमाल होता है, चाहे सरसों का तेल, चाहे आपके नारियल का तेल, या कोई भी तेल जो आपके घर पे बहुत सालों से इस्तेमाल होता है, वही इस्तेमाल कीजिए, किसी नए तेल की तरफ आगे ना जाइए।
इसके अलावा अगर एग्जिस्टिंग जो हेल्थ कंडीशन है उनसे उबरने के लिए मेडिकेशन जो चल रहे हैं उसके साथ साथ योग अभ्यास कीजिए। इससे आपको जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन उससे उभरने में तो सहायता मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपके बालों के झड़ने की जो समस्या है वो भी कम होगी। आइए अब बताती हूँ वो घरेलू उपाय जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके घर पे ही बना सकते हैं और पहले ही इस्तेमाल के बाद आपको आपके बालों में फ़र्क नज़र आएगा कि बाल ज़्यादा रेशमी हैं, मुलायम हैं, टूटना झड़ना थोड़ा कम हो गया है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए आप। आइए बनाते हैं घर पे ही ये बहुत अमेजिंग सा शैम्पू जिस जो कि हमारे पूरे के पूरे बाल की अच्छी सेहत के लिए, बालों का टूटना, झड़ना, डैंड्रफ, रूखे सूखे रहना, शाइन ना होना, इन सारी समस्याओं का जस्ट एक वन सॉल्यूशन है और मैं बहुत बचपन से करती आ रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगा सत्रीठा, आंवला, शिकाकाई, थोड़ी सी मेथी। इसको रात भर एक बर्तन में भिगो देना आप। अगर आपके पास रात भर का वक्त नहीं है तो इसको तुरंत आप बॉयल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जब भी इस्तेमाल किया है इसको तो रात भर भिगोने के बाद ही इस्तेमाल किया है ताकि इसके सारे पोषक तत्व आराम से रात भर भिगोने के बाद इस पानी में आ जाए। मेरे बचपन से लेके आज तक सर पे अगर मैंने कुछ अप्लाई किया है तो वो यही चीज़ है जिसकी वजह से बाल काफ़ी काले होते हैं और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है, समय से पहले वो टूटते नहीं हैं। और हमें क्या चाहिए, देखिए थोड़े बहुत बाल झड़ना इज़ ओके, लेकिन अगर एक्सेसिव बाल गिरने लगे फिर उसमें प्रॉब्लम है। तो आप एक काम कीजिएगा कि सत्रीठा और शिकाकाई के अंदर थोड़े बीज होते हैं जो काले काले रंग के इस तरीके से होते, इसको ज़रूर निकाल लीजिएगा और इसके बाद फिर इसको एक मिक्सर जार में आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और फिर इनको पीसना शुरू करेंगे। आराम से थोड़ा सा जो पानी आपकी कढ़ाई में ऑलरेडी बचा हुआ था उस पानी को डाल करके इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा गाढ़ा रखेंगे सो दैट आप जब इसको अपने सर पे अप्लाई करें तो ये ज़्यादा टपके नहीं इसकी बूंदें। फिर उसके बाद जब अच्छी तरीके से पीस लिया है इसको तो अपने बाल के जड़ से लेके पूरे के पूरे आपके स्कैल्प से लेके बालों के बाहर की तरफ इस तरीके से अप्लाई करेंगे ताकि सब जगह अप्लाई कर लें और ये काम बड़ा तसल्ली का है, बड़ा आराम का है। तो इसीलिए संडे सैटरडे वाले दिन यही अपने आप को पैम्पर करने के लिए मैं करती हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। आइए अब बताती हूँ आपको 5 वो चुनिंदा योग आसनों के अभ्यास जिनकी मदद से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो आपके पूरे शरीर को ये तरोताज़ा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपके स्कैल्प पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा। तो इन सारे योगासनों के अभ्यास से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए अब अभ्यास करते हैं अधोमुख स्वानासन का, या इंग्लिश में इसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं। जो भी लोग शीर्षासन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं लेकिन चाहते हैं कि वो सारे बेनिफिट हमें मिल जाएं तो आप अधोमुख श्वानासन का अभ्यास कीजिए। बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आसन है। तो आराम से वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रख दें। अगर घुटनों में दर्द है तो वज्रासन कम्प्लीटली अवॉइड करें, कभी भी फिर वज्रासन का अभ्यास ना किया करें। डायरेक्टली आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं और दोनों घुटनों के बीच में अपने कमर जितना फासला रखिए, दोनों एड़ियों के बीच में भी आप अपने घुटनों जितना फासला रखिए, अपने रिस्ट, एल्बो, शोल्डर को एक लाइन में रखिए, सामने देखिए ऐसे एक अच्छी टेबल की तरह। यानी कि अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी टेबल होगी ना तो चीज़ें गिर जाएंगी, उसी तरीके से पॉस्चर भी बिगड़ जाएगा अगर आपकी टेबल टॉप पोजीशन गड़बड़ होगी। अब जब टेबल टॉप पोजीशन आपकी सही हो गई है तो अपने पैर के बड़े अंगूठे को ऐसे टक कीजिए मैट पर, फिर अपने घुटनों को ऐसे सीधा कर दीजिए, दोनों पैरों के बीच में आपके फासला है। अब अपने सर को धीरे से अपने दोनों हाथों के बीच में से, दोनों बाजुओं के बीच से ऐसे ले जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके रखें और अपनी नाभि की तरफ देखें या अपनी एड़ी की तरफ देखें ऐसे, और सांसें लेते और छोड़ते रहें। इस पोस्चर को कम से कम 15 सेकंड या 30 सेकंड ज़रूर रोक के रखें और
इसको 3 सेट अभ्यास कर लें और सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहे, और अपनी नाभि की तरफ अगर ऐसे देख सकते हैं तो देखें, अगर नाभि की तरफ नहीं देखा जा रहा है तो आप अपनी एड़ी की तरफ भी देख के रखें ऐसे। सांसें लेते और छोड़ते रहें और अपनी पेट की मांसपेशियों को हल्का सा टाइट करके रखें ऐसे। फिर उसके बाद आराम से अपने घुटने को आपने ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दिया, अपनी एड़ी पर ऐसे बैठ गए हैं, अब जरा रेस्ट करेंगे। तो अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो दोनों घुटनों के बीच में फासला कर लीजिए, और अगर पेट बड़ा नहीं है, नॉर्मल, आप आराम से वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में बैठने के बाद ऐसे शशांक आसन का अभ्यास कर लें और हेड डाउन कर लें ऐसे। ये तो हो गया शशांक आसन बिना घुटनों को खोले हुए। लेकिन अगर आपको पेट बड़ा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो दोनों घुटनों के बीच में ऐसे फासला कीजिए और अभ्यास कीजिए शशांक आसन का। तो दोनों पांव को ऐसे मैट पर रखा और धीरे से पांव को ऐसे स्लाइड किया मैट पर, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा किया, हेड को डाउन कर दिया मैट पर रखें। इसको भी कम से कम आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, और इस पोस्चर को भी कम से कम 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट तक होल्ड करके रखें। यह आपका स्ट्रेस जो है उसको कम करता है, और मानसिक तनाव को कम करने के साथ साथ ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ इम्प्रूव करता है। अब सर को ऐसे झुकाए हुए सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें, और कम से कम 1 मिनट तक इस पोस्चर को रोक के रखें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। ये जूम योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे होती हैं, और ये पेड क्लासेस है। इन क्लासेस के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप या तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लें, अगर वेबसाइट विजिट नहीं करना चाहते हैं तो ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, मेरी टीम के द्वारा आपको क्लासेस के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनको या तो ग्रुप क्लासेस करवाती हूँ जिसमें कि बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस, जो कॉमन हेल्थ कंडीशंस है, जैसे कि आपके लाइक थायराइड की समस्या, डायबिटीज की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, सेक्सुअल डिसऑर्डर, इस तरीके की समस्याओं में हम मिलकर काम करते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो आप मेरे साथ 1-on-1 योगा क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जूम क्लासेस 7 बजे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहते हैं किसी भी वक्त आप अभ्यास करना अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो आप मेरे द्वारा जो योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज का जो फी है बहुत नॉमिनल है, इसकी भी डिटेल आपको या तो मेरी इस वेबसाइट पर आपको जाने से मिल जाएगी, या तो फिर अगर आप वेबसाइट में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक व्हाट्सएप कर दें, ताकि मेरे टीम के द्वारा आपको गाइड कर दिया जाए कि किस तरीके से आप ये रिकॉर्डेड सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। इन रिकॉर्डेड सेशंस की सबसे खास बात ये है कि ये जो सीक्वेंस मैंने डिज़ाइन किया है, इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, और साथ ही ये वीडियोज़ आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं। और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल तक की है, यानी एक बार आप जब पेमेंट कर देते हैं तो आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। तो अभी जाके चेक कीजिए, मेरी वेबसाइट भी विजिट करिए और व्हाट्सएप भी कर दीजिए। अब हम अभ्यास कर रहे हैं उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन, पहले अर्ध उष्ट्रासन फिर उसके बाद उष्ट्रासन का अभ्यास। तो आराम से अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएं, जिनको घुटने में दर्द है वो उष्ट्रासन अवॉइड करके बाकी के जो पोस्चर्स मैंने बताए हैं उनका अभ्यास कर लें। दोनों पैरों के बीच में अपनी कमर जितना फासला करें, दोनों हाथों को ऐसे कमर के ऊपर रखें, शोल्डर्स को ऐसे रोल बैक करें ऐसे, ताकि चेस्ट ओपन हो जाए, और हिप को आगे की तरफ ऐसे पुश करें। हिप को आगे पुश करने के बाद धीरे से अपने गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ दें, और आराम से फिर से अपनी हील्स पर बैठ जाएं और रेस्ट करें ऐसे शशांक आसन में। अब ये तो हो गया अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। इसका अभ्यास आप 3 सेट कर लें, हर एक पोस्चर को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें। ज्यादा देर तक अगर होल्ड करना है तो सांसें लेते और छोड़ते रहें।
अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास कर रहे हैं, हाफ नहीं फुल। तो दोनों पैरों के बीच में, घुटने के बीच में कमर जितना फासला कर लिया, दोनों पैरों के बीच में फासला कर लिया, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखा। पहले हाफ उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, यानी हाफ कैमल पोज का अभ्यास करेंगे, फिर वहीं से कैमल पोज। तो शोल्डर्स को रोल बैक किया, चेस्ट को बाहर की तरफ पुश किया, सर को ढीला छोड़ दिया, सांस ले लिया, सांसों को रोक लिया, और फिर और हिप को आगे की तरफ ऐसे पुश कीजिए। फिर उसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए आराम से हेड डाउन। अब अभ्यास कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन, या इंग्लिश में इसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। इसका अभ्यास करने से आपकी बॉडी में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, और साथ ही आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है, जिससे भी जो भी पोषक तत्व हैं आप खाएंगे पिएंगे तो अच्छी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, जिनकी मदद से आपको बाल का झड़ना बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल होगा। तो किस तरीके से, दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ जाएं, दोनों हाथों को छत की तरफ खींचे और थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ लीन बैक हो जाएं, सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ ऐसे झुकते हुए अपने पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ लें। अगर पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ सकते हैं अच्छी बात है, और धीरे से अपनी चेस्ट को थाई की तरफ लेके आएं और ऐसे हेड डाउन कर लें ऐसे। अब इस पोस्चर को कम से कम 3 सेट कीजिएगा, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे और सामने झुक जाइएगा, और कम से कम 5 से 10 सेकेंड अगर सांसों को रोक सकते हैं तो रोक के रखें, और अगर सांसों को नहीं रोक सकते तो सांसें नॉर्मल लेते रहें। तो अभी मैं सांसों को रोक रही हूँ 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, फिर सांस लेते हुए धीरे 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 अप हो गए। लेकिन यही अगर आपको सांसों को रोकना नहीं है, कम से कम आप ज़्यादा देर तक 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रोकना चाहते हैं, तो फिर इस पोस्चर का अभ्यास कैसे करेंगे, सांसों का ध्यान रखते हुए सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने झुक गए। अब अगर आप बड़े अंगूठे को नहीं पकड़ सकते तो हाथ जहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ रुक जाइए और ऐसे हेड को डाउन कर दीजिए। पेट पर जो दबाव मिल रहा है इसको महसूस कीजिए और सांसें लेते और छोड़ते रहिए ऐसे। तो जितनी देर तक हो सके इस पोस्चर को होल्ड करके रखिए स्पाइन। तो ये हो गया आपके पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, और रेस्ट कर लें आप। अब हम अभ्यास कर रहे हैं विपरीत करणी का। विपरीत करणी बड़ा ही आसान आसन है, मैं इसको 2 तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आप आसानी से इसको कर सके। हर एक इंसान जो अच्छे बालों की सेहत चाहता है तो इसको विपरीत करनी का अभ्यास जरूर करना चाहिए। दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लें, फिर धीरे से दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री उठा लें दीवार की सीलिंग की तरफ, और धीरे से थोड़ा सा कमर को ऐसे उठाते हुए ऐसे हल्का सा अपने पैरों को अपने सर की तरफ रखें, कमर ऐसे नीचे है हल्का सा, और ब्रीथ करते रहें ऐसे ऐसे। अब बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, फिर से देखिए ज़रा, ऐसे हल्का सा उठाया, एल्बो पर अपनी बॉडी का भार रखा है और दोनों पाम से अपनी कमर को सहारा दे रहे हैं और ऐसे ब्रीद करते रहे। कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर हेड को ड्रॉप कर दें। अब देखिए, बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि कमर आसानी से उठ जाए, क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा होगा, या बिगनर हैं, या टेक्निक नहीं आ रही है, या ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके बाजुओं में स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं सबसे ईजिएस्ट विपरीत करनी आपको बता रही हूँ, जो कि आप पिलो के सहारे कर सकते हैं। तो आपको ऐसे एक पिलो ले लेनी है और पिलो को आराम से ऐसे दीवार के सहारे रखना है, या तो ऐसे, और फिर आराम से अपने पिलो के ऊपर बैठ जाएं और फिर दोनों पैरों को ऐसे दीवार पर लगा दें ऐसे, और आराम से ऐसे लेट जाएं। सांसों को नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें, और कम से कम अगर पॉसिबल हो तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक विपरीत करनी में इस तरीके से अपने लेग्स को वॉल की तरफ लगा के रखें, और फिर उसके बाद बहुत धीरे से आराम से अपनी योगा मैट पर लेट कर आराम से शवासन में लेट जाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट रेस्ट करें।
देखा आपने कितने आसान थे ना ये सारे टिप्स जो मैंने बताए, और साथ ही स्टेप बाय स्टेप मैंने जो आपको योग आसन सिखाए इनका अभ्यास भी आप हर रोज कीजिएगा, और डाइट का भी अपना पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ इन सारी की सारी टिप्स से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके इस लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, कुछ योग आसन आपको बताऊँ आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके कौन से टॉपिक पर मैं अगली वीडियो बनाऊँ, तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब खूब ध्यान रखिए, अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। नमस्ते।